नमस्कार। जन सरोकार मंच के इस पटल पर मैं अशोक सक्सेना आज आपके साथ आपके सम्मुख हूँ अपनी कुछ ताज़ा रचनाओं के साथ। कुछ रचनाएं छोटी हैं, कुछ बड़ी हैं, लेकिन रचनाओं को तो उनके भाव से ही आप परिचय पा सकेंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो मेरी पहली रचना आपके सामने है, जो भी करना है खुलकर कीजिए, जो भी करना है खुलकर कीजिए, नोच लीजिए तितलियों के पंख। जो भी करना है खुलकर कीजिए, नोच लीजिए तितलियों के पंख। बस्तियां जलाइए, बस्तियां जलाइए, कत्ल करिए, जो भी करना है खुलकर कीजिए। अब यहाँ इंसानियत और आस्थाएं भय नहीं जगाती हैं, अब यहाँ इंसानियत और आस्थाएं भय नहीं जगाती हैं। चाहे जितने जुल्म और गुनाह करो, चाहे जितने जुल्म और गुनाह कीजिए, बस मंदिर में दान और पीर की मज़ार पर चादर चढ़ाते रहिए। बस मंदिर में दान और पीर की चादर मज़ार पर चादर चढ़ाते रहिए, यहाँ जो भी करना है खुलकर करते रहिए। ये मेरी छोटी सी प्रारंभिक रचना है नई रचनाओं में से। अब इसके बाद आपके साथ सामने आ रही है मेरी दूसरी रचना, शायद आपको ठीक लगे जी। ये जीवन की अलग अलग विषमताएं और स्थितियां हैं और उनके एहसास के साथ रची गई कविताएं हैं मेरी, कि जीवन में ना चिड़ियाएं हैं अब, जीवन में ना चिड़ियाएं हैं अब, ना पंख ना तितलियां, जीवन में ना चिड़ियाएं हैं अब, ना पंख ना तितलियां हैं, बस जी जी विषाओं के घटक तोड़ रहे हैं आत्मबल। बस जी जी विषाओं के घटक तोड़ रहे हैं आत्मबल। तुम इसे उत्थान का काल कहो या पतन का, तुम इसे उत्थान का काल कहो या पतन का, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम इसे उत्थान का काल कहो या पतन का, कोई फर्क नहीं पड़ता नियंता की नियत पर, कोई फर्क नहीं पड़ता नियंता की नियत पर। जब मौन साधे विवशताओं का चेहरा, जब मौन साधे विवशताओं का चेहरा, हर आईने में पहला और अंतिम दृश्य बनकर उभरे। जब मौन साधे विषमताओं का चेहरा, हर आईने में पहला और अंतिम दृश्य बनकर उभरे, तब कोई फर्क नहीं पड़ता तुम इसे दुर्भिक्ष कहो या त्रासदी, तुम इसे दुर्भिक्ष कहो या त्रासदी, सिर्फ कह देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ कह देने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्या कभी जी। इसके आगे की रचना है मेरी, आपके साथ में आ रहा हूँ, जी तो आपके सामने मेरी तीसरी रचना है, झुरमुटे और धुंधले दृश्यों में से भरी सांझ में। एक झुरमुटे और धुंधले दृश्यों से भरी सांझ में तुम तमाम वर्जनाओं को धकेल मेरे घर की सीढ़ियां चढ़ाई थीं। थोड़ी सी एक प्रेम कविता है, झुरमुटे धुंधले दृश्यों से भरी सांझ में तुम तमाम वर्जनाओं को धकेल मेरे घर की सीढ़ियां चढ़ाई थीं छत पर। पूरी पिघलती हुई सी कहा था मैं तय नहीं कर पा रही हूं तुम मुझसे क्या चाहते हो, कहा था मैं तय नहीं कर पा रही हूं तुम मुझसे क्या चाहते हो, क्या करूं तुम्हारे लिए,
क्या करूं तुम्हारे लिए कुछ तो कभी कह दो, क्या करूं तुम्हारे लिए कुछ तो कभी कह दो, फिर तुम्हें करीब लाते हुए, फिर तुम्हें करीब लाते हुए तुम्हारे होंठ, गाल और तुम्हारे भाल पर चुंबन अंकित कर मैंने कहा था, मैंने कहा था जाओ तुम्हें मुक्त किया, मैंने कहा था जाओ तुम्हें मुक्त किया, मुझे नहीं मालूम तुम मुझसे कितना मुक्त हुई हो, मुझे नहीं मालूम तुम मुझसे कितना मुक्त हुई हो, पर मैं जब भी देखता हूँ, पर मैं जब भी देखता हूँ, पर मैं जब भी देखता हूँ किसी भाल पर सजी दमकती सिंदूरी बिंदी, पर जब भी मैं देखता हूँ किसी भाल पर सजी दमकती सिंदूरी बिंदी, मेरे अंदर जाग उठते हैं, मेरे अंदर जाग उठते हैं कई कई जोगिया सूरज, मेरे अंदर जाग उठते हैं कई कई जोगिया सूरज। इसी के साथ इस कविता पूरी होती है और मेरी एक कविता और है। ये देखिए, ये जो कविता आपके सामने आ रही है इसके तेवर बहुत अलग हैं। ये किसी भी इज्म से जुड़ी हुई नहीं है, ये आम आदमी के चेतना की बात करती है, आम आदमी के जो जिस परिवेश में वो रह रहा है, दम घोटू स्थिति है, उसकी बात करती है। तो आपके सामने है कि बहुत संभव है कि तुम बदल दिए जाओ बिना रीढ़ के किसी जीव में, बहुत संभव है तुम बदल दिए जाओ बिना रीढ़ के किसी जीव में, तुम्हारी इंद्रियां खो दें अपनी संचेतनाएं, तुम्हारी इंद्रियां खो दें अपनी संचेतनाएं, तुम्हारे मस्तिष्क से पहुंच दी जाएं तुम्हारी स्मृतियां, तुम्हारे मस्तिष्क से पहुंच दी जाएं तुम्हारी स्मृतियां, और किसी काले रसायन में, और किसी काले रसायन में डुबो दी जाएं प्रेम और संवेदनाएं, और किसी काले रसायन में डुबो दी जाएं प्रेम और संवेदनाएं। ये हादसा किसी भी क्षण घट सकता है, ये हादसा किसी भी क्षण घट सकता है, इससे पहले कि ऐसा हो जाए, इससे पहले कि ऐसा हो जाए तुम महसूस करो, इससे पहले कि ऐसा हो जाए तुम महसूस करो कि क्या तुम्हारे पैर जमीन को छू रहे हैं, तुम महसूस करो कि क्या तुम्हारे पैर जमीन को छू रहे हैं, और क्या आसमान अभी भी तुम्हारे कांधों पर टिका है, और क्या आसमान अभी भी तुम्हारे कांधों पर टिका है, तुम अभी भी अपने होने के ऋण से मुक्त नहीं हुए हो, तुम अभी भी अपने होने के ऋण से मुक्त नहीं हुए हो, शुरू कर सकते हो, तुम अभी भी अपने होने के ऋण से मुक्त नहीं हुए हो, शुरू कर सकते हो बांटना सांत्वना और संवेदनाएं, शुरू कर सकते हो बांटना सांत्वना और संवेदनाएं, पर ध्यान रहे वे सभी शाब्दिक ना हों, पर ध्यान रहे वे सभी शाब्दिक ना हों। इसी रचना के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। अगली कविता है मेरी, कि बिना घुंघरू का झुंझना, बिना घुंघरू का झुंझना सा दिखाई देने लगा है अब आदमी, कि बिना घुंघरू सा झुंझना दिखाई देने लगा है अब आदमी, स्पर्श सभी संक्रमित हो गए, स्पर्श सभी संक्रमित हो गए, और हवा जहरीली, और हवा जहरीली, संवेदनाओं के लिए शब्द कम और अर्थहीन हो गए, संवेदनाओं के लिए शब्द कम और अर्थहीन हो गए, कुछ कहने कुछ सुनने की स्थितियां
दम तोड़ रही हैं। कुछ कहने कुछ सुनने की स्थितियां दम तोड़ रही हैं। हमको किसने तबाह किया, हमको किसने तबाह किया, ये बाद में तय कर लेना। हमको किसने तबाह किया ये बाद में तय कर लेना। वर्तमान और भविष्य एक ही यक्ष प्रश्न लिए खड़ा है। वर्तमान और भविष्य एक ही यक्ष प्रश्न लिए खड़ा है, वह है आस का प्रश्न। वह है आस का प्रश्न, आस जो मरती नहीं जिंदा बच पाने की, आस जो मरती नहीं जिंदा बच पाने की। पर ये समय क्या सिखाना चाहता है, पर ये समय क्या सिखाना चाहता है, यह भी बहुत ज़रूरी है हमें समझ लेना। यह भी बहुत ज़रूरी है हमें समझ लेना। नमस्कार। इसके आगे की रचना है, हर रचना का तेवर अलग है, डिफरेंट शेड्स मिलेंगे। देखिए फिर एक बहुत तीखी कविता है जो वर्तमान को परिलक्षित करती है कि पसरे सन्नाटे के बीच मौन मुखर होता है, पसरे सन्नाटे के बीच मौन मुखर होता है। आप सड़कों पर नहीं उतर सकते, ये आप भी जानते हैं और हम भी। पसरे सन्नाटे के बीच मौन मुखर होता है, आप सड़कों पर नहीं उतर सकते, ये आप भी जानते हैं और हम भी। सुरक्षा इसी में है, आप दर्शक दीर्घा में बैठ जाइए। सुरक्षा इसी में है, आप दर्शक दीर्घा में बैठ जाइए। कोई भी भगत सिंह बनने का प्रयास ना करे, कोई भी भगत सिंह बनने का प्रयास ना करे। दृश्य उभरता है प्रभात फेरी का, दृश्य उभरता है संध्या काल का। स्वांग है श्री राम के जय घोष का, स्वांग है श्री राम के जय घोष का। धर्म की जड़ता का फिर दृश्य बदलता है मृत्यु के सत्य का, फिर दृश्य बदलता है मृत्यु के सत्य का। राम नाम सत्य है। शब्द गूंज रहे हैं। उक्त दोनों दृश्यों में एक ही समानता है। सड़कों पर बिखरी हैं फूलों की पत्तियां। इन दोनों दृश्यों में एक ही समानता है, सड़कों पर बिखरी हैं फूलों की पत्तियां। सूत्रधार का स्वर फिर उभरता है। आप जी रहे हैं धर्म की जड़ता और मृत्यु के बीच, आप जी रहे हैं धर्म की जड़ता और मृत्यु के बीच। देखिए महसूस कीजिए किलबिला रहा है आपके जीवन का दर्शन। आप महसूस कीजिए कि किलबिला रहा है आपके जीवन का दर्शन। हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। हमें पता है तुम स्वयं ही मर जाओगे। हम तुम्हें मरने नहीं देंगे, हमें पता है तुम स्वयं ही मर जाओगे अपनी अपनी पिपासाओं के साथ। तुम स्वयं ही मर जाओगे अपनी अपनी पिपासाओं के साथ। हम जानते हैं हमें खतरा है तुम्हारे संगठित हो जाने से। हम जानते हैं हमें खतरा है तुम्हारे संगठित हो जाने से। पर धर्म और अर्थ की व्यवस्थाओं के चलते तुम तो भूल चुके हो संगठित होकर जीना। पर धर्म और अर्थ की व्यवस्थाओं के चलते तुम तो भूल चुके हो संगठित होकर जीना। तुम समझ लो तुम विकल्पहीन हो चुके हो। तुम्हारी नियति बस दर्शक बने रहने तक ही शेष है।
इसी कविता के संग मैं आगे बढ़ता हूँ, अपनी यात्रा आगे ले जाता हूँ जी। ये छोटे छोटे बंद हैं, शायद आपको अच्छे लगे। देखिए कि तुम्हारे लिए ही तो जीवन भर चला था, तुम्हारे लिए ही तो जीवन भर चला था हवा के रुख के साथ, तुम्हारे लिए ही तो जीवन भर चला हवा के रुख के साथ। तेरी खुशबू उसी हवा से आती थी, तेरी खुशबू उसी हवा से आती थी। मुनासिब भी है भूल जाना, मैं कहाँ से चला था, मैं कहाँ आ गया हूँ। मुनासिब भी है भूल जाना, मैं कहाँ से चला था, कहाँ आ गया हूँ। ऐसी दूसरे एक छोटी बंद है कि हवा के रुख ने तराशा है जिन पत्थरों को, कि हवा के रुख ने तराशा है जिन पत्थरों को, वे सभी चैतन्य और स्पंदन से भरपूर दिखाई देते हैं। कि हवा के रुख ने तराशा है जिन पत्थरों को, हवा के रुख ने तराशा है जिन पत्थरों को, वे सभी चैतन्य और स्पंदन से भरपूर दिखाई देते हैं। और तेरी खुशबू से आहत हुए जो, और तेरी खुशबू से आहत हुए जो, उनकी आँखों से लहू टपकते देखा है। और तेरी खुशबू से आहत हुए जो, उनकी आँखों से लहू टपकते देखा है। गंध गंध तेरा चरित्र कितना कृपण होता है, गंध तेरा चरित्र कितना कृपण होता है। अब इसके आगे एक दूसरी अलग, सबके तेवर अलग हैं, आपको अलग अलग तरह से अच्छा लगेगा, ठीक है। ये मैं छोटी सी अंतिम कविता पढ़ रहा हूँ आपके सामने, समय का भी मुझे थोड़ा सा व्यस्तता है, ठीक है। देखिए आपके सामने है, ये भी हमारी अपनी स्थितियों को बताती भी है कि हम कितने विवश हैं। कि सच मानो अब हम आश्वस्त हो चले हैं, स्वस्थ मानो अब हम आश्वस्त हो चले हैं। हमें प्रतीक्षा भर शेष है, हमें प्रतीक्षा भर शेष है कि तुम बोलोगे। सच मानो अब हम आश्वस्त हो चुके हैं, हमें प्रतीक्षा भर शेष है कि तुम बोलोगे, कहोगे अपनी बात, कि तुम बोलोगे कहोगे अपनी बात। बचपन में जब तुम तारों में उलझी पतंग उतारते, एक डोर में बांधते पत्थर उछालते, पतंग तक पहुंचाते और पतंग उतार भी लेते फिर उसे उड़ाने के लिए। बचपन में जब तुम तारों में उलझी पतंग उतारते, एक डोरे में बांधते पत्थर उछालते, पतंग तक पहुंचाते और पतंग उतार भी लेते फिर उसे उड़ाने के लिए। वह तारों में उलझी डोर हवा में झूलते पत्थर मुझे आश्वस्त करते हैं, वह तारों में उलझी डोर हवा में झूलते पत्थर मुझे आश्वस्त करते हैं कि तुम उछाल सकते हो पत्थर, मुझे आश्वस्त करते हैं कि तुम उछाल सकते हो पत्थर। हवा में तो उसी साहस से बोलोगे भी, कहोगे अपनी बात, क्योंकि आशंकाओं और भय से त्रस्त ये बूढ़ी होती सदी, क्योंकि आशंकाओं और भय से त्रस्त ये बूढ़ी होती सदी। भिक्षाम देवी का ही उत्सव मनाती है, क्योंकि आशंकाओं और भय से त्रस्त ये बूढ़ी होती सदी। भिक्षाम देही का ही उत्सव मनाती है, अंतिम पड़ाव पर आ चुकी है। बस हम जैसे भिक्षुओं की आँख तुम पर टिकी है, बस हम जैसे भिक्षुओं की आँख तुम पर टिकी है कि तुम बोलोगे, कहोगे अपनी बात। नमस्कार, धन्यवाद, आपने धैर्यपूर्ण सुना और आगे भी अपने अच्छे कमेंट से मुझे मार्गदर्शन देंगे, इसी विश्वास के साथ आज आपसे विदा चाहता हूँ।